स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मिशन 50 बिफोर 50, कहीं भी घूमो दुनिया में। दोस्तों आज बात करेंगे किसी भी देश या विदेश या कहीं पर भी घूमने के लिए कुछ ऐप ऐसे बने हैं जिनकी मदद से हम वहाँ के जो भी मतलब एक्टिविटीज है या फेयर ट्रिप्स है या मतलब जितना भी घूमने में आपको काम आने वाली चीजें हैं वो सब आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, और उनको सही रेट में तलाश करने के लिए एक ऐसे ऐप की जरूरत है जो हमारे सारे काम कर दे। आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे कि क्वालालंपुर एयरपोर्ट पे आप उतर जाएं, ये ज्यादातर उन लोगों के काम की चीज है जो कोई ट्रिप प्लान नहीं करते हैं, मतलब कुछ बुक नहीं करते हैं किसी के साथ में, कहते हैं कि भाई हमने पूरा पैकेज लिया है, वो वाला सीन अगर नहीं है तो फिर ये चीज आपके लिए बड़ी ही काम की हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे डिफरेंसेस वाइज काफी आपको अंतर नजर आएगा। क्वालालंपुर एयरपोर्ट से क्वालालंपुर सिटी सेंटर जो है वो लगभग 50 से 55 किलोमीटर के आसपास दूरी है, 45 से 55 किलोमीटर की दूरी इसकी बताइए, लेकिन मैं एवरेज 50 किलोमीटर मान के चलता हूँ। तो ये 50 किलोमीटर दूरी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन लगभग आपका आधा से पौन घंटा लेती है और 800 से 900 रुपए उसका किराया आता है एक जने का। इसके बाद में आप शेयर टैक्सी कर सकते हैं जो कि आपको अपना पैकेज वाला देता है, लेकिन आपने अगर वो नहीं लिए तो बाहर से ग्रैब से बुक कर सकते हैं, या और भी कोई सुविधा आप चाहें तो वहां पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस ऐप में आज बताऊंगा एक जबरदस्त फंक्शन के बारे में जो कि बहुत आसान और बहुत ही अच्छा है, आपको पहले से जानकारी हो जाए तो आप इस चीज के बारे में आसान कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज क्लूक ऐप के बारे में। तो ये क्लूक ऐप आपको नजर आ रहा होगा, इसको आपको ओपन करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इस प्रकार से ये बना हुआ आएगा और इस तरह से ये इसकी स्क्रीन आपको सर्च करना है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको सर्च किया ऑलरेडी क्वालालंपुर लिख करके, तो क्वालालंपुर हम जैसे ही लिखेंगे तो ये स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से शायद सर्च नहीं कर रहा है, लेकिन आप जैसे ही देखेंगे क्वालालंपुर सही तरीके से लिखेंगे KUALAM क्वालालंपुर। चलो इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी ऐसी है, एक बार में समझ नहीं आती, अभी भी नहीं आया। चलिए ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगी। जब भी आप देखेंगे क्वालालंपुर में बस के बारे में पता करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा और ये बस का ऑप्शन आपको इस तरह से दिखेगा। ये आपको समझ आ रहा होगा, इस तरह से आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। हमें इसको बुक करना है तो हम जाकर के इसको बुक कर सकते हैं जिस भी डेट को चाहें। मान लीजिए दो दिन बाद जाना है, यानी एक दिन बाद की सारी फैसिलिटी आपको इसमें लगभग अवेलेबल रहेगी, फिर भी डेट अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए। यानी क्वालालंपुर एयरपोर्ट 2 से क्वालालंपुर सेंट्रल जाने के लिए और सेंट्रल से वापस क्वालालंपुर आने के लिए, ये दोनों चीजें इसके अंदर सुविधा अनुसार है। तो आप जैसे पहले तो आप उतरेंगे तो आपको जाना है, सेलेक्ट कर सकते हैं। 201 रुपए का टिकट है, इसकी रेट लगभग 200, 201, 203, 123, ये करेंसी के हिसाब से, करेंसी जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे वैसे ये आपका 1-2 रुपए बढ़ता और घटता रहता है। मैंने इसको 200 रुपए में लिया था, आज 201 है, तो ये 201 नेक्स्ट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं फेसबुक के साथ या जैसे भी आपको सुविधा लगती है, जो भी तरीका आप समझते हैं उससे लेकर के इसका जो प्रोसेस है, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें वो सब पेमेंट करके अपनी ये चीज ले सकते हैं। आपके ईमेल पर इसका कंफर्मेशन आ जाएगा और उसके बाद में इस ऐप को आप इंजॉय कर सकते हैं। आप इस ऐप को एक बार ओपन करिए, बहुत सारी चीजें आपको इसमें दिखेगी जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों ये था आज वीडियो क्लूक ऐप के बारे में, किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें है। अब ये आप देख रहे हैं इसके साथ ही और भी एक्टिविटीज आपको नजर आ जाएगी इसके अंदर, जो भी जहां पर भी आप जिस भी सिटी में जाना चाहे। एक हल्का सा व्यू दिखा दूं मैं आपको, तो एक ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, डेस्टिनेशन। दुनिया के लगभग 50 से 55 देश आपको इसमें नजर आएंगे, जहां चाहे जहां घूम सकते हैं। ये बेहतर ऐप है, मजा आ जाने वाला आपको, आप इसको धीरे धीरे इजीली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से कहां क्या करना है, ये सब कुछ है। इंडिया का भी नाम इसमें है, यूएसए है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देख करके आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज हमारा वीडियो क्लूक ऐप के बारे में, कैसा लगता है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।